hello friends today we will start our chapter which is crop production and management of class 8 science book ncert so now paheli and bujo went to their uncle's house during summer vacation their uncle is a farmer वन डे दे सॉ समूल्स लाइक कुरपी सिकल सोवल प्लॉ एक्सेट्रा इन द फील्ड पहली और भूजो जो हैं अपने मामा के घर या कह सकते हैं अपने अंकल के घर गए थे समर वैकेशन में तो उन्होंने उनके जो अंकल हैं वो क्या हैं वो हैं फार्मर तो उन्होंने एक दिन देखा कि उनके पास कुरपी सिकल और शोवल प्लो जैसे टूल्स वहाँ पर खेत में पड़े थे अब जो भूजो है वो बहुत क्यूरियस है तो उसने पूछा आई वॉन्टेड टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स मतलब कहाँ और कब हम ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं यू हैव ऑलरेडी लर्न दट ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम्स रिक्वायर्ड फूड हमें सबको पता है कि हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स हैं उनको जीने के लिए फ़ूड तो चाहिए ही चाहिए यानी कि खाना तो चाहिए ही चाहिए प्लान कैन मेक देर फूड डेमस्टर्स प्लांट्स तो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं आपने सुना होगा ऑटो तो क्रॉप्स प्लांट्स के बारे में वो अपना खाना खुद बनाते हैं कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लाट्स सिंथसाइज देर फूड तो जो ग्रीन प्लांट्स थे उनके पास क्लोरोफिल होता था राइट तो वो फोटो सिंथेटिक्स के माध्यम से अपना फूड बनाते थे और उनका फूड का प्रोडक्ट क्या होता था ग्लूकोज देन देर इज़ रिटर्न एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक दियर फूड ओन सो वे आर डू एनीमल्स गेट दियर फूड तो हम जो humans हैं हम तो अपना खाना ख़ुद नहीं बनाते हमें तो अपना खाना खुद नहीं बनता लेकिन ये खाना फिर वो पूछ रहे हैं एनिमल्स को मिलता कैसे है भाई तो एनिमल्स को बेसिकली प्लांट्स से मिलता है खाना बट फर्स्ट of all why do we have to eat food food what are the important things that we need to live which are food water and also most important oxygen so these all things we need to survive right so food is utilized you have already know that the energy from the food is utilized by organism for

ऑर्गेनाइजम्स लेते हैं खुद और फिर वो बहुत सारे फंक्शंस अपनी बॉडी में परफॉर्म करते हैं जैसे डाइजेशन डाइजेशन में आपका जो खाना होता है वो पचता है देन वी आर हैविंग रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में हम लोग जो ब्रीदिंग uh, करते हैं जो इन्हेल ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं उसको ब्रेक डाउन होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है देन वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट एक्सप्रेशन विच में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं देन वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बोथ हमें दोनों से ही खाना पड़ता है प्लांट से भी तो और से क्योंकि मैनी पीपल आर नॉन वेजिटेरियन दे ईट चिकन एंड डक फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा देन सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री ये कह रहे हैं कि हमें तो फूड चाहिए तो हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इन हर कंट्री लेकिन हमारे कंट्री तो बहुत बढ़िया है हमें तो बहुत सारा फूड चाहिए तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे तो फूड हैज़ टू टू बी प्रोड्यूज ऑन लार्ज स्केल फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूज ऑन लार्ज स्केल फूड को बहुत ज़्यादा Um, क्या कहते हैं प्रोड्यूस होना पड़ता है क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है बहुत सारे लोगों को खाना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज नेसेसरी ऑफ फूड ओके तो हमें किसको खाना पहुँचाना है हमें बहुत बड़ी कंट्री को खाना पहुँचाना है जो है इंडिया तो इंडिया जैसी कंट्री में खाना पहुँचाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन यानी कि रोज़ क्रॉप उगनी चाहिए एंड प्रॉपर मैनेजमेंट यानी कि ऐसा नहीं कि रोज़ क्रॉप उग रही है जब क्रॉप एक बार उग चुकी है तो उसके बाद डायरेक्ट दूसरी क्रॉप भी उग जानी चाहिए क्योंकि रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट कि कैसे हमें क्रॉप्स को मैनेज करना है कैसे उनको हेल्दी बनाना है कैसे वो एकदम अच्छी बने एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी कहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगी राइट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टिल टेन थाउजेंड बी सी ई पीपल वर नुमैडिक टेन थाउजेंड बी सी के टेन थाउजेंड बी सी तक उससे पहले भी जो लोग थे वो नुमैडिक थे नुमैथ्स आर द पीपल वू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देर फूड एंड शेल्टर ओके दे नेवर स्टॉप एट वन प्लेस वो हमेशा चलते ही जाते हैं तो उससे पहले के लोग जो थे वो सब नुमै से वो घूमते रहते थे दे वर वन डरिंग इन ग्रप्स फ्राम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फ़ूड एंड शल्टर दे मतलब वो wandering, wandering मतलब कि वो घूम रहे थे जगह जगह ग्रुप्स में अनोमैथ्स का एक ख़ुद का ग्रुप्स होता है प्लेस टू प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक एंड फॉर वॉट फूड एंड सेल्ट दे ate रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे एट रॉ फ्रूट्स मीन्स वो कच्चा खाना खाते थे और कच्ची वेजिटेबल्स खाते थे वो पकाना उनको पता ही नहीं था उससे पहले एंड स्टार एड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड और एनिमल्स तक वो पका के नहीं खाते थे रॉ एनिमल्स रिलेट बिल्कुल कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे वो लैंड को कल्टिवेट करने लग गए यानि कि उन्होंने लैंड में क्रॉप उगाना शुरू कर दिया और वो राइस को प्रोड्यूस करने लग गए वीट एंड अदर फूट क्रॉप और बहुत सारे बाले मैनी आदे राइट Then thus was born agriculture. Dear children, one knowledge I wanted to give here. Agriculture. What is the meaning of agriculture? Agri means what? Agriculture is a name. Agri means you this something that is made from plants in Latin words, and culture is the culture in which we grow the food. Okay. देन यू आर हैविंग वेन प्लाट्स ऑफ द सेम काल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप जब एक ही जगह में एक ही टाइप का प्लांट जो है वो बहुत बड़े मात्रा में उगाया जा रहा है तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं इस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉप फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दट ऑल द प्लांट्स ड्रोन इन द फील्ड आर दट ऑफ वीट्स उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया है कि क्रॉप ऑफ वीट का मतलब क्या होगा जितने भी प्लांट्स हमारे फील्ड में ग्रो करे हुए हैं वो सब किसके हैं वो सब वीट के प्लांट्स हैं यू है ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम सबको पता है कि जो क्रॉप्स है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है सीरियल्स होते हैं उसमें वेजिटेबल्स होते हैं फ्रूट्स जो फल होते हैं कैन बी क्लासीफाई दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन वेजिटे ग्रो और ये किसमें क्लासीफाई हो सकते हैं कौन सा सीजन है वो ग्रो हो रहे हैं इधर इन रेनी सीजन इधर इन विंटर सीजन इधर इन समर सीजन ऑटम सीजन स्प्रिंग सीजन इन सब सीजन में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं इंडिया इज द वास्ट कंट्री द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर टेम्परेचर यानी कि आपका टेम्परेचर कितना है कितना है फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस या थर्टी डिग्री सेल्सियस कितना है देन ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी आपने देखा होगा कि आपके बाहर एटमोसफेयर में मॉइस्चर कितना है देन द रनफॉल रेनफॉल कितनी है कितना आपका बरसात का पानी आ रहा है देन अकॉर्डिंगली अ uh, from one rain rainfall vary from one region to another आपने देखा होगा कि north India में ज़्यादा rainfall हो रही है south India में ज़्यादा rainfall हो रही है south में होगी of course क्योंकि evaporation there are more because हमारा जो uh, Arabian Sea है and Bay of Bengal है वो भी वहीं पे है तो क्या होगा ज़्यादा evaporation वहाँ से होगा and वहाँ पर clouds बनेंगे that's why the rainfall is more in south if you see that okay तो क्या होगा अकॉर्डिंगली देर इज अ रिच देर इज अ रिच वरायटी ऑफ क्रॉप्स रिच वैराइटी ऑफ क्रॉप्स मतलब बहुत सारी वेरायटी हैं क्रॉप्स की एक ही वेरायटी की क्रॉप ग्रो नहीं हो रही है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग मैथड्स कैन बी आइडेंटिफाई इसी जो हमारी डाइवर्सिटी है इसमें भी हमारे दो बोल्ड क्रॉपिंग मैथड्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं और ये मेथड कौन से चिल्ड्रेन आई आई वांटेड एवरी ऑफ यू शुड आंसर इन द सेक्शन सो ये जो हमारे मैथड्स हैं ये हैं हमारे खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के अब ये कह रहा है द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप ऐसी क्रॉप्स जो रेनी सीज़न में उगाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं ख़ारिफ़ क्रॉप्स कहते हैं द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ अ जर्नली फ्राम जून टू सेप्टेम्बर आपने देखा होगा बारिश का जो बरसात का मौसम स्टार्ट होता है वो जून टू सितंबर तक का ही होता है एंड साउथ में आई थिंक मोर होती होगी बारिश क्योंकि वहाँ पर साउथ है तो इप्रेशन मोर देर एंड पेरी मेज सोयाबीन ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खारिफ करॉप्स ये क्या है खारिफ करॉप है बिकॉज दे रिक्वायर्ड मोर वाटर और उन कुछ ज़्यादा पानी कम मिलेगा जब वो बरसात के समय में उगेगी राइट देन वी आर हैविंग रबी क्रॉप्स ओके अब वी आर हैविंग रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स विच क्रॉप्स जो क्रॉप हमें कब उगती है अक्टूबर टू मार्च के समय में उगती है ये हमें लिख देना है ओ एम यानी कि अक्टूबर टू मार्च के समय में उग रही है और ये कौन सी क्रॉप्स है ये है रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स आर शोन इन विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च का आपने देखा होगा विंटर सीजन आ जाता है लगभग ठीक uh, है अक्टूबर से ठंडा थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाने लगता है फिर धीरे धीरे तो बहुत ठंडा हो जाता है राइट तो एग्ज़ाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स सार वीट ग्राम पी मस्टर्ड एंड लिन्स तो जो रबी क्रॉप्स की हमारी एग्जाम्पल हैं वो क्या है वीट क्योंकि वीट ज़्यादा पानी टॉलरेट नहीं कर सकती वीट ज़्यादा पानी को कंज्यूम नहीं कर सकता देन ग्राम ग्राम भी आपकी नहीं उग सकती पी जो आप वो खाते हैं पीस खाते हैं देन मस्टर्ड जो आपका सरसों होता है और लिंस ये सब जो क्रॉप्स हैं ये आपकी रबी क्रॉप्स होती हैं ये ज़्यादा पानी टॉलरेट नहीं कर सकती हैं देन बिसाइड डीज पल्स वेजिटेबल आर ऑल्सो ग्रोन इन समर एट मैनी प्लेसेस समर्स में उगाए जाते हैं बिकॉज दे रिक्वायर्ड मोर वाटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिए चिल्ड्रेन विच इज सॉरी नेक्स्ट पार्ट विच इज दिस basic practices of crop production now we will read about basic practices so why paddy cannot be grown in the winter season this is a question right think about this this is very easy one i am not showing you paddy so paddy is our crop that required so much of water दैट्स वाई इट कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन बिकॉज विंटर सीजन में भी बारिश ज़्यादा नहीं होती है लेकिन जो हमारा रेनी सीजन्स होते हैं जून टू तो सेप्टेम्बर उसमें बहुत सारी रेनफॉल होती है तो क्या होता है आपकी जो पैडी होती है वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है ग्रो हो जाती है लेकिन जब आप उसे विंटर सीजन में ग्रो करेंगे तो उसको पानी बहुत कम मिलेगा जिसकी वजह से पैडी नहीं उग पाएगी Now, paddy requires lot of water, therefore, it is grown only in the rainy season. And cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a long period of time. You may find these uh, that these activities are similar to those carried out by a gardener or even you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks refer to as agriculture practices, which are listed below. Now, preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. These all things, okay. So, इसमें देखो cultivation of crop involves several activities. जो हमारे cultivation of crop होता है, जो हम crop उगाते हैं, उसमें बहुत सारी activities involved होती हैं. ऐसी तो ना हमारे crop उग जाती है, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं उसमें. तो ये हम भी कर सकते हैं activity या एक gardener जो activity करता है, वो भी same होती हैं. तो जब भी हम कोई प्लांट उगाते हैं उसमें तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं फटाफट तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस की जाती है उसे रेगुलर किया जाता है देन इसमें लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रिपरेशन लेकिन सॉइल को प्रिपेयर करना है उसको टर्न आउट करना है प्लो से बहुत सारे एग्रीकल्चर uh, इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनसे करना है अच्छे से तो ये क्या हो गया हमारा ये हो गया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सोइंग सोइंग कैसे आप सीड डाल लें सीड को सो कर रहे हैं सॉइल के अंदर उसे हम सोइंग कहते हैं देन एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर एडिंग मेन्योर मीन्स योर Uh, जो आपका डीकम्पोजिंग मटेरियल होता है उसको हम मेन्योर कहते हैं और फर्टिलाइजर्स तो आपने देखा होगा केमिकल वाले जो होते हैं आपके जो uh, कीटनाशक होते हैं जो फार्मर्स uh, यूज करते हैं देन इरीजेशन इज़ अ मैटर ऑफ सप्लाइंग द वाटर थ्रू द नैरो पाइप ड्रिप इरीजेशन होता है आपका एक और ऐसे स्प्रिंकलर मैटर जिसमें आप नैरो नोजल्स uh, बनाते हैं एंड देन वी आर हैविंग प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग फ्राम वीड्स वीड्स आर द अनवॉन्टेड प्लांट्स विच ग्रो ऑटोमेटिकली जो खुद ही ग्रो हो जाते हैं और इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारी नेचुरल क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं इसके भी बहुत सारे मैटर ने हाउ यू कैन रिमूव द वीड्स the दैन हारवेस्टिंग हारवेस्टिंग होती है कि जब आपकी क्रॉप उग गई आप फटाफट से काट रहे हैं इसमें बैसाखी पोंग एंड मेनी फेस्टिवल आर ऑल्सो मेड बिकॉज हमारी क्रॉप अच्छे से उग जाती है देन स्टोरेज आप कैसे अपनी क्रॉप को अच्छे से स्टोर करके रखेंगे कहीं वो उसमें कुछ कीड़े वीड़े मतलब इंसेक्ट्स तो नहीं पड़ जाएंगे उसमें कहीं फंगस तो नहीं आ जाएगा तो इन सब का ख्याल भी रखना पड़ता है इसे स्टोरेज भी पड़ाएंगे अभी हम फेंकते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है प्रिप्रेशन ऑफ सॉइल सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने से पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द लूज इन इट हमें सॉइल को टर्न करना होता है बार बार से पलटना होता है उसे खोदना होता है, है अंदर ही अंदर गजब करना होता है उसको तभी वो हमारा जो उसके अच्छे न्यूट्रिशियस मिनरल्स होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं इट अलाउज रूट टू पेंट्रेट डीप इंटू द ग्राउंड रूट अच्छे से पेंट्रेट करती है बहुत अंदर सॉइल के द लूज सॉयल अलाउ द रूट टू ब्रेथ ईजिली इवन वन दे गो डीप इन टू द सॉयल हाँ जो लूज सॉयल होता है वो रूट्स को अलाउ करता है कि वो अच्छे से ब्रेथ यानी कि ले लें uh, क्योंकि नाइट्रोजन में चाहिए होता है लूज सॉइल इवन when they go deep into the soil jabki deep into the soil mein it's very difficult to breathe why does loosening of soil allow root to breathe easily the loose soil allow roots to breathe easily uh, because जो हमारा होता है roots can penetrate deep into the ground और ये क्वेश्चन हमारा आया इसमें कि कैसे मतलब loosening of soil all कैसे allow करता है भाई कैसे allow करेगा

वो बहुत हेल्प करता है अर्थ फॉर्म्स अर्थ फॉर्म क्या होता है आप, आपने देखा होगा अर्थ फॉर्म को लाल लाल कीड़े होते हैं वो माइक्रोव्स माइक्रोव्स मींस जो हम देख नहीं सकते जो इतने छोटे छोटे हैं उनको किसी माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है प्रेजेंट होतेल में दीज ऑर्गेनाइजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर क्योंकि डिकम्पोज और ह्यूमस बनाने में बहुत हेल्प करते हैं दे फर्दर टर्न द लूजेंड सॉयल ह्यूमस टू इट ह्यूमस क्या होता है आपका एक मटीरियल होता है डू तो डिकम्पोज जो आपके एनिमल वेस्ट होता है कॉटंक वगैरह उसको डीकम्पोज करके जो मटीरियल uh, बनता है उसको हम ह्यूमस कहते हैं बट वाई डिड द वाई दॉयल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड उसको टर्न और लूजेंड होना पड़ता है क्योंकि जो मिनरल्स और न्यूट्रीनस होते हैं वो हमारे टर्न और लूज करके ही ऊपर को आते हैं यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास डेट सॉइल कंटेन मिनरल वाटर

प्रीवियस क्लास में हमने सॉइल के बारे में बहुत पढ़ा था है ना हमने पढ़ा भी था कि सॉइल के पास कौन कौन से हॉरिजन्स होते हैं आई नो दैट दिस इज माई फर्स्ट वीडियो आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट दैट प्रीवियस क्लास सिक्स चैप्टर्स बट वी आर स्टार्टिंग विद क्लास एट दैन वी विल गो फर्दर इन स्मॉल क्लासेज ऑल्सो बट लेट्स फ्रॉम क्लास एट यू हैव ऑलरेडी लर्न द क्लास सेवन दैट्स वाई यू आर सींग क्लास एट वीडियो आई गेस सो सो नाउ जो हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सॉयल के पास बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वाटर होता है एयर होती है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम होते हैं अर्थ फॉर्म्स इन एडिशन डैट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं दैट दे गेट डीकम्पोज बाई सॉयल ऑर्गेनाइजम जो अर्थ फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स होते हैं इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिय इन द डर ऑर्गेनाइजम्स आर रिलीज बैक टू द सॉइल और ये सॉइल में रिलीज हो जाते हैं छोड़ देते हैं सॉइल में दिस न्यूट्रिय आर अगेन ऑब्जर्व बाई प्लांट और ये फिर से जो न्यूट्रिय होते हैं प्लाट्स से ऑब्जर्व हो जाते हैं सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर आपने देखा ना टॉप लेयर ऑफ द द प्लांट ग्रोथ टर्निंग एंड सॉइलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिय रिच सॉइल टू द टॉप ऑफ द प्लांट सो दैट टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिय ओके सो दस अभी इसके आगे कभी पढ़ेंगे लेकिन इसका आगे कहा कल पड़ेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि सेंस अफ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ अ टॉप लेयर जो थोड़ी सी टॉप लेयर होती है वही प्लांट को सपोर्ट करती है ग्रोथ में तो टर्निंग और लूजनिंग जो होती है जो प्लांट्स के नीचे का न्यूट्रीन रिच होता है ना उनको टॉप लेयर में ले आता है ताकि वो अच्छे से उसको सपोर्ट कर सके ठीक है तो आज के लिए हमने फ्रेंड्स इतना ही पढ़ा है हमने पढ़ा है आज बहुत सारा बारे में कि कैसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना डी कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कितना नेसेसरी होता है क्या क्या उसके फैक्ट्स हैं वो भी हमने आज डिस्कस कर रहे हैं और अब हम कल पढ़ेंगे ये दस जाना यहीं से पढ़ेंगे हम कल और बहुत मज़ा आएगा बिकॉज़ ये जो चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये हमें पूरा करना है तो आज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तक हुआ है कल वी विल डू आज सेकेंड पार्ट विच इज़ सोइंग yes and adding manures and fertilizers thank you friends for watching this video and i hope that you like it and if you like it you have to comment and subscribe our channel because we are the new ones okay thank you